बुरहानपुर जिले से 5 किलोमीटर दूर उतावली नदी के तट पर 1623 में शाहनवाज खान ने इस काले ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी के लिए करवाया था। इस काले ताजमहल के निर्माण के बाद आगरा में ताजमहल बनाया गया है। जिस तरह से उतावली नदी के तट पर इस काले ताजमहल का निर्माण किया गया है, उसी तरह से यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनाया गया है। इस ताजमहल का निर्माण शाहनवाज खान ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। इतिहासकार कमरुद्दीन फलक का कहना है कि यह काला ताजमहल काले पत्थरों से बना है और यह आगरा के ताजमहल से पहले इस काले ताजमहल का निर्माण कराया गया है। शाहनवाज खान ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जिसकी कब्र भी तहखाने में स्थित है। जैसे मुमताज़ की कब्र आगरा के ताजमहल में तहखाने में है, इसी तरह से कब्र यहाँ भी रखी गई है। काले ताजमहल की तरह आगरा का ताजमहल भी दिखता है। इस काले पत्थरों से बने हुए काले ताजमहल को निहारने के लिए देश विदेश के पर्यटक भी पहुँचते हैं। इसकी देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। इसकी मीनारें भी ताजमहल की तरह ही नज़र आती है। इन दोनों में इतना ही फर्क है कि आगरा का ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन यह काला ताजमहल काले पत्थरों से बनाया गया है। ताजमहल का कैसा निर्माण हुआ है और ये कब कराया गया था और किसने कराया है ये? हाँ, काला ताजमहल जो है ना, एक्चुअली ये एक टूम है, ये एक समाधि है, मकबरा है। ये मकबरा शाहनवाज खान का है, और शाहनवाज खान जो है टाइटल था जो जहांगीर ने दिया था अब्दुल रहीम खाने कानान के बड़े बेटे को। उनका वास्तविक नाम मिर्जा एरज है, और ये बड़े कुशल सेनापति थे जहांगीर के। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम एज में इनका देहांत हो गया था। ये 40 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, और इनकी मौत का बड़ा दुख था जहांगीर को, क्योंकि दक्षिण मुहिम में सबसे ज़्यादा अच्छी जंगें जो है तो जहांगीर के लिए शाहनवाज खान ने ही लड़ी थी। तो मिर्ज़ा एरज से खुश होकर उसने शाहनवाज खान ने उनको शाहनवाज का टाइटल दिया था। ये इनके पिताजी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इतिहास में। ये अब्दुल रहीम खाने खानान यानी रहीम दास के पुत्र हैं। और ये जो स्मारक है, ये स्मारक का जो बेसमेंट है और जो उसका आउटर पोर्शन है उसके टूम को छोड़कर, वो काले पत्थर में बना हुआ है, और इसका जो टूम है वो टर्किस इंजीनियरिंग है। तो इसलिए उसके जो टूम था वो टूम चूना पत्थर का बना है, लेकिन उस पर भी काई जमते जमते वो भी ब्लैक हो गया था। तो नीचे से ब्लैक स्टोन, फिर ऊपर भी ब्लैक, और पूरी इंजीनियरिंग ताजमहल की है। हालांकि इसका निर्माण ताजमहल से बहुत पहले हुआ था, ये 1623 का स्मारक है। तो इस कारण यहाँ के लोग इसे ताजमहल, काला ताजमहल कहते थे। ये इतनी बैलेंस्ड इमारत है बुरहानपुर में। और ताजमहल जिस प्रकार यमुना तट पर बना, निर्मित निर्माण किया गया, उसी प्रकार इसका निर्माण भी उतावली तट पर किया गया। जिस प्रकार शाहजहां और मुमताज की जो वास्तविक समाधियां हैं वो तहखाने में है, इसी प्रकार यहाँ भी शाहनवाज खान और उनकी पत्नी की समाधि नीचे तहखाने में वास्तविक समाधि। इसके अंदर जो पेंटिंग है वो एक्चुअली पेंटिंग नहीं है, वो कार्विंग है, और उसको उकेर कर बनाया गया है। और जितने भी आप उसमें ताक और मेहराब देखेंगे, उसमें पूरा जियोमेट्रिकली थीम रखी गई है। तो और इसके जो छत देखेंगे आप, बाहर निकल कर जो चारों तरफ गुमटियाँ बनी हुई है इसकी, तो बीच में जो इसका दालान है उसकी छत जो है तो आपको चाइनीज ट्रे जैसी लगेगी, सर किसी ने उल्टा चाइनीज ट्रे रखा हो। और फिर चारों तरफ जो है तो 4 कप्स बनाए गए हैं। तो इस प्रकार ये बड़ी सुंदर, बड़ी बैलेंस्ड और अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। देश विदेश से लोग आते हैं? हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है, और बुरहानपुर के जो टूरिस्ट हेरिटेज है, हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनी में से इम्पोर्टेंट है काला ताजमहल। क्या नाम आपका? मैं कमरुद्दीन फलक हूँ।